योर फ्रेंड आई एम खुशी। तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे, सपोज अगर आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल गए तो उसका वो पासवर्ड आप फिर से रिकवर कैसे करोगे, या फिर आप न्यू पासवर्ड कैसे बनाओगे, या फिर आप अपने जीमेल अकाउंट को कैसे एक्सेस कर पाओगे। फ्रेंड वो सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जीमेल अकाउंट ऑलरेडी क्या करके रखा है, यहाँ पे जस्ट गूगल साइट पे जाके मैंने क्या किया, लॉग इन पेज पे जस्ट मेरा ईमेल एड्रेस लिख के रखा है। एंड फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रिएट एन अकाउंट है आई हेड। मुझे अकाउंट तो नया क्रिएट करना ही नहीं है, मुझे पासवर्ड रिकवर करना है। तो फ्रेंड इसके लिए मैं कहाँ पे जाऊंगी, आई हेड पे जाऊंगी। एंड फ्रेंड जैसे ही आई हेड को मैंने किया, वहाँ पे क्या रहा है, एंटर योर पासवर्ड। तो फ्रेंड यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम पासवर्ड भूल गए तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे क्लिक किया फॉरगॉट पासवर्ड पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिख के आ रहा है, एंटर द लास्ट पासवर्ड यू रिमेम्बर यूज विद दिस गूगल अकाउंट। फ्रेंड यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर मुझे प्रीवियस में लास्ट पासवर्ड मुझे याद है तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगी, सो दैट वो क्या करेगा, थोड़ा सा मुझे हेल्प करेगा मेरा न्यू पासवर्ड क्रिएट करने में। बट फ्रेंड सपोज मुझे मेरा लास्ट या फिर प्रीवियस पासवर्ड मुझे याद ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं जाऊंगी ट्राई अनदर मेथड पे। फ्रेंड ये फर्स्ट प्रोसेस है। एंड सेकेंड प्रोसेस क्या, फ्रेंड यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको फोन का दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, to get the code to confirm first confirm the phone number added to your account standard rate apply. So then second first क्या था आपको, अगर आपको previous password याद है तो उसके बेस पे क्या कर सकते हो, आप new password create कर सकते हो। And second thing क्या है friend, अगर आपके पास आपका register mobile number है तो आप क्या करोगे, वो number जैसे आप यहाँ पे फोन नंबर के ब्रैकेट में आप डायलॉग अपना जैसे आप एंटर करोगे, अल्टीमेटली आपके उस register mobile number पे आपको एक SMS आ जाएगा, एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। मैम फ्रेंड सपोज मेरे पास ये भी नहीं है, बिकॉज मेरे पास अभी मेरा फोन नहीं है, हो सकता है कि मेरा फोन रुपये रह गया या फिर मैंने क्या किया मेरा फोन नंबर ही चेंज कर दिया। फ्रेंड इसके लिए एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, टू गेट द कन्फर्मेशन कोड फर्स्ट कन्फर्म द रिकवरी ईमेल एड्रेस यू एडेड टू योर अकाउंट। फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, लाइक जब आप अपना जीमेल अकाउंट बनाते हो तो जीमेल अकाउंट बनाते टाइम आपसे दो चीजें वहाँ पे पूछता है, एक तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इट्स नॉट कंपल्सरी, अगर आपको नहीं डालना है तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। देन सेकेंड थिंग क्या होता है फ्रेंड कि आप कोई रिकवरी ईमेल एड्रेस डाल दो, रिकवरी क्यों मतलब हो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक पर्सन जीमेल पे बस एक ही अकाउंट बनाएगा, वो मल्टीपल अकाउंट बना सकता है। तो फ्रेंड सपोज आप कोई न्यू अकाउंट बना रहे हो और देयर आर चांसेस कि आप अपने पासवर्ड भूल जाओ तो ओल्ड वाले को हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस में डाल देते हैं। तो फ्रेंड सपोज मुझे मेरा रिकवरी ईमेल एड्रेस भी नहीं याद है तो उसके लिए देखते हैं हम क्या प्रोसेस है, अगेन मैं कहाँ पे क्लिक करूंगी, ट्राई अनदर मेथड। तो फ्रेंड अभी देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ गया है, विद इट टू सम टाइम टू इन्वेस्टिगेट योर रिक्वेस्ट, एंटर एन ईमेल एड्रेस वेयर वी कैन कॉन्टैक्ट यू लेटर। सो व्हाट इज इट फ्रेंड, सपोज मुझे ये पासवर्ड तो मुझे याद ही नहीं है, इस ईमेल एड्रेस का मुझे पासवर्ड याद ही नहीं है, तो मैं कोई ऐसा ईमेल एड्रेस डालूंगी जिसका पासवर्ड मुझे याद हो, सो दैट गूगल क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा मेरे साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो वो सारी चीजें मेरे कहाँ पे आ जाएगी, मेल पे आ जाएगी। तो फ्रेंड ये था प्रोसेस। लास्ट में अगर ठीक है मुझे वो भी रिकवरी का भी कोई ऊपर ईमेल एड्रेस नहीं है तो वहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड, आप देख सकते हो, टू कीप योर अकाउंट सिक्योर गूगल नीड टू कंफर्म दैट द अकाउंट इज योर्स टू गेट योर अकाउंट बैक प्रायर टू साइन इन अगेन। तो फ्रेंड साइन इन अगेन के लिए अगेन क्या क्या दिया है, answer as many question as possible, use the device you have signed in earlier, then choose a well-known Wi-Fi network such as home or office network. तो फ्रेंड ऐसा क्या बता रहे कि लाइक अभी आपको एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस होगा जहाँ पे आपको लाइक दो तीन दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको वहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा, सपोज आपके पास वो भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आपको लिखा आएगा, आपको फिर से उसको ट्राई करना है साइन इन करने के लिए। तो फ्रेंड जैसे मैंने क्या कि यहाँ पे अगेन साइन इन करने के लिए किया, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं फिर से मेरा वही डालूंगी, मैं मेरा जीमेल आईडी तो मुझे याद होगा फ्रेंड, तो मैं वो लिख दूंगी यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, एंटर योर लास्ट पासवर्ड यू रिमेम्बर यूज विद दिस गूगल अकाउंट। हो सकता है कि मुझे अगर आपको आपका लास्ट पासवर्ड याद होगा तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो। फिर मैं लास्ट पासवर्ड यहाँ पे डाल देती हूँ, जैसे मैं अहेड गई डन फ्रेंड यहाँ पे टू ऑप्शन रहेगा, एक तो मुझे मेरा ईमेल एड्रेस का डालना होगा या फिर मेरा फोन नंबर का, यहाँ पे मैं मेरा फोन नंबर का ही कर लेती हूँ। डन फ्रेंड फोन नंबर पुट करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है सेंड का, मैंने सेंड कर दिया।
लेकिन ये सेंड करने से क्या होगा, अगर वो फोन मेरे पास है तो गूगल के थ्रू क्या आ जाएगा, वहाँ पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी या फिर कोड एंटर करने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ। फिर मैं चेक करती हूँ मुझे ओटीपी आया है कि नहीं मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। फिर यहाँ पे एक ओटीपी आया है, मैं देखती हूँ वही है कि कोई और भी है। मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया, धन आहेर करके आ रहा है। फिर आप देख रहे हैं ओटीपी मेरा सक्सेसफुल हो गया, एटलीस्ट मेरे पास नया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था। मैम फिर यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, क्रिएट अ न्यू एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट यू डू नॉट यूज फॉर अनदर वेबसाइट, क्योंकि एक पर्सन बहुत सारे वेबसाइट भी ओपन कर सकता है। तो फ्रेंड मुझे कुछ ऐसा पासवर्ड यूज करना है, ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जो क्या होगा, ये पासवर्ड कहीं पे और मैंने यूज ना किया, क्योंकि सेम पासवर्ड तो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो फिर मैं यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू पासवर्ड कंफर्म कर लिया है, न्यू पासवर्ड का रॉन्ग बता रहा है, नंबर फिर से चेंजेस कर देती हूँ यहाँ पे। इसे कंफर्म करती हूँ पासवर्ड को। फिर से ट्राई करते हैं, फ्रेंड पासवर्ड मैच होगा तभी न्यू पासवर्ड क्रिएट हो पाएगा। तो फिर आप क्या देखो यहाँ पे लिख के आ गए, यू आर साइन इन नाउ टेक सम टाइम टू चेक योर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। देन फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कंटिन्यू टू जीमेल। तो फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस तरह से मैंने क्या किया, मेरा न्यू पासवर्ड को सेट किया। तो फिर मैं आपको प्रोसेस एक बार फिर से बताती हूँ। सपोज आपके पास जीमेल अकाउंट है बट आप उसका क्या हो गया उसका पासवर्ड आप भूल गए हो, तो अगर आपको फिर से आपका अकाउंट रीसेट करना है, आपको फिर से न्यू पासवर्ड बनाना है, तो फिर उसके लिए प्रोसेस क्या क्या होगा। फर्स्ट प्रोसेस मैंने क्या बताया, आपको आपका प्रीवियस पासवर्ड डालना होगा अगर आपको याद है तो। फ्रेंड डोंट वरी, अगर आपको याद नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, ट्राई अनदर ऑप्शन में जाओगे। फिर जैसे ही आप ट्राई अनदर ऑप्शन में जाओगे, वहाँ पे अगेन टू थिंग्स विल बी देयर। एक तो आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछेगा, सपोज आपके पास आपका मोबाइल नंबर भी नहीं है, आपने सिम कार्ड चेंज कर दिया, फिर आप सेल फोन आपके साथ लाए नहीं हो, तो फिर उसके लिए भी आप फिर क्या करोगे, नेक्स्ट ट्राई करोगे ट्राई इन अनदर वे। जैसे ही आप ट्राई अनदर वे में जाओगे, वहाँ पे एक और आपसे पूछा है कि लाइक आपके पास कोई रिकवरी ईमेल आईडी है क्या, ईमेल एड्रेस है क्या। रिकवरी क्यों पूछ रहा है फ्रेंड, क्योंकि एक पर्सन मल्टीपल जीमेल अकाउंट बना सकता है, तो सपोज अगर आप कोई न्यू बना रहे हो तो हो सकता है कि पास में रिकवरी के लग गया रहा, चांसेस कि आप पासवर्ड भूल जाओगे। तो एक्सेस करने के लिए फ्रेंड आपने वहाँ पे क्या करके रखा है, जब आपने जीमेल बनाया था तो वहाँ पे अपना एक रिकवरी ईमेल एड्रेस आपने ऑलरेडी बना के रखा है जो आपका आपका ही था। तो फ्रेंड उसके थ्रू क्या होगा, आपका रिकवरी ईमेल एड्रेस वहाँ पे आ जाएगा। फिर रिकवरी ईमेल एड्रेस आप जैसे ही डालोगे, उस ईमेल एड्रेस पे क्या जाएगा, आपको एक ओटीपी या फिर कोई लिंक चला जाएगा, वो ओटीपी को आप जैसे डालोगे आप क्या कर सकते हो, अपने पासवर्ड पे एक्सेस न्यू पासवर्ड आप बना सकते हो। तो फ्रेंड ये था प्रोसेस, आप तीनों में से कोई भी एक कर सकते हो, या तो आप अपना मोबाइल नंबर कर सकते हो, या तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालोगे, या फिर आप अपना रिकवरी ईमेल एड्रेस डालोगे, और एस लास्ट ऑप्शन क्या होता है, सपोज वो क्या बोलता है आपको, इट विल टेक विद इन टू और थ्री डेज। गूगल क्या करेगा, लाइक इन्वेस्टिगेशन करेगा, बिकॉज आपको टोटल क्या कर रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे रहा है। समटाइम क्या होता है फ्रेंड्स, आपके ईमेल एड्रेस का पासवर्ड किसी और को एक्सेस करना होता है, लाइक बहुत सारे स्कैमिंग होता है वहाँ पे, फ्रॉड केसेस भी है वहाँ पे, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो टाइम लेगा 2 से 3 दिन, और फिर आपको क्या करेगा, आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होगा उसके बाद आपको उसका फीडबैक बोल सकते हो, या फिर आप उसको वहाँ पे आपको क्या करेगा वहाँ पे रिपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को रिकवरी कर सकते हैं, या फिर आप न्यू पासवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको यह जीमेल का पासवर्ड कैसे रिसेट करना है वो समझ में आया होगा। फ्रेंड थैंक यू, आज के लिए इतना।